डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। कल शाम दो टीमों के बीच हुआ मुकाबला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी उपस्थित। तो कल शाम से अंबेडकर बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन दो टीमों के बीच मैच खेला गया। मैच से पहले अतिथिगणों का स्वागत हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, उद्घाटनकर्ता गजेंद्र सिंह खेवसर, अध्यक्षता में मंत्री वासुदेव देवनानी व विशेष अतिथि के तौर पर राजगढ़ धाम के चंपालाल जी महाराज, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, मेयर धर्मेंद्र गहलोत व अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी व भाजपा के नेता बीपी सारस्वत भी उपस्थित हुए। महिला बाल विकास मंत्री अनिता बदेल के प्रयासों से बालिकाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। मैच शुरू होने से पहले कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। इसके पश्चात आईजी मालिनी अग्रवाल की टीम हेड़ा रानी व कलेक्टर आरती डोगरा की टीम पन्ना धाई के बीच मैच खेला गया। ऐसे अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य थे जो गैर कांग्रेसी थे, लेकिन एक और संयोग है, कश्मीर के मुद्दे पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए और कश्मीर में धारा 370 का सबसे पहले किसी ने विरोध किया कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली में, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी एक संयोग, ये भी एक सुखद संयोग है। इसलिए अनिता जी ने जानबूझ कर ही रखा ये नाम। 23 तारीख बास्केटबॉल बालिका का कंपटीशन, और फिर मैं देख रहा था जो बच्चियां आ रही थी खिलाड़ी के रूप में, सबके सामने एक कोई न कोई योजना का नाम था। उज्ज्वला योजना भी थी, सौभाग्य योजना भी थी, राष्ट्रीय योजना भी थी, सब योजनाओं का जिक्र था, भामाशाह योजनाओं का भी जिक्र था। ये इन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी खेल के माध्यम से हो। 23 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, और उसके साथ दूसरा संयोग यह है कि पहला जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना उसमें दो गैर कांग्रेसी जो मंत्री बने उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अपने भीमराव अम्बेडकर जी, दोनों गैर कांग्रेसी मंत्री थे और दोनों ने एक साथ मिलकर के जो अभूतपूर्व काम किया मंत्रिमंडल में, और फिर कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के दोनों ही मंत्रिमंडल से बाहर आए, ये संयोग की बात है। पुष्कर में हालात बदतर, सीवरेज के पानी से निकली शव यात्रा, सड़कों पर फैला बारिश से पहले ही गंदा पानी, स्थानीय प्रशासन बैठा चुप्पी साधे। काफी समय से पुष्कर के हालात कुछ ऐसे हैं कि घाटों पर पानी सूखा पड़ा है तो सड़कों पर सीवरेज का पानी इस कदर फैला है कि वहां के क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हत्तो जब हो गई जब कल निर्जला एकादशी पर एक शव यात्रा को गंदे सीवरेज के पानी में से निकलना पड़ा, लेकिन ये सब देखने के बाद भी जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। अगर बारिश से पहले ही ऐसा हाल रहा तो न जाने बारिश के समय क्या होगा। पुष्कर तीर्थ का सीवरेज सिस्टम इस कदर फेलियर होता जा रहा है कि आज तो हद हो गई कि पुष्कर परिक्रमा मार्ग, आज एकादशी और निर्जला एकादशी का दिन है और यहाँ इतना गंदा पानी सीवरेज का जमा हो रखा है कि शव यात्रा भी इसी गंदे पानी से होकर गुजर रही है, और जो श्रद्धालु यहाँ पुष्कर तीर्थ की परिक्रमा लगाते हैं उनकी मजबूरी हो गई है कि वो रोज़ रोज़ हर दिन जो ये पानी सरोवर का गंदा पानी या सीवरेज का भरता है उसी में से होकर उनको पुष्कर सरोवर की परिक्रमा लगानी पड़ती है। ये जो दशा है वो बरसात से पूर्व की दशा है जो आए दिन होती जा रही है, पर लेकिन किसी प्रकार से जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन गंभीर नहीं है कि इस समस्या का स्थायी कोई समाधान निकाला जाए, और जनता भी हमारी इस प्रकार की हो गई है कि वो आदी हो गई है कि वो इसी में से रोज़ गुजरना मंजूर करेगी, पर लेकिन
किसी प्रकार की कोई इसमें पहल नहीं करना चाहता है कि ये समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो और प्रशासन पर इसका कोई दबाव बनाए। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। अजमेर एलिवेटेड रोड को मिली स्वीकृति, अजमेर स्मार्ट सिटी बोर्ड की आयोजित हुई बैठक, मंत्री व अधिकारियों के बीच हुई बैठक, बैठक में मिले कई सुझाव। अजमेर स्मार्ट सिटी के अंदर बनने वाले एलिवेटेड रोड की स्वीकृति के लिए आज बैठक की गई। बैठक में कलेक्टर आरती डोगरा, मंत्री वासुदेव देवनानी, मंत्री अनीता भदेल, निगम के मेयर धर्मेंद्र गहलोत, कमिश्नर हिमांशु गुप्ता, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, पुलिस कप्तान राजेंद्र चौधरी व अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी व कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में सभी गणमान्य लोगों ने एलिवेटेड रोड को लेकर अपनी अपनी राय दी। वैसे भी की राय लेने के बाद इस कार्य को स्वीकृति दी गई। अब जल्द ही अजमेर में एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। आज स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक हुई जिसमें एलिवेटेड रोड को अप्रूवल मिला है और अब ये स्मार्ट सिटी रोड बनने वाला है। ये मार्टेंडल ब्रिज से लेकर के और आगरा गेट चौराहे तक 4 लेन होगा और आगरा गेट चौराहे से 2 लेन महावीर सर्किल तक जाएगी और इसी प्रकार से 2 लेन कचहरी रोड से स्टार्ट होकर के तो गांधी भवन सर्किल पर 4 लेन जो मार्टेंडल ब्रिज तक की और जो एलिवेटेड रोड जाने वाली उसके अंदर मिलेगा। तो इस तरह से अजमेर के ट्रैफिक की प्रॉब्लम से हमें निजात मिलेगी। जितना वायु प्रदूषण होता है गाड़ियों के रुकने के कारण से वो होगा और एक हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मान लो कोई व्यापारी लोग हैं हमारे जो युवा उपाध्याय नगर रहते हैं, वैशाली नगर रहते हैं, जिनका इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज है, वो नियमित रूप से रोज आते जाते हैं, उन लोगों को इससे राहत होने वाली है। एक शंका ये है हमारे जो इन रोड्स पर जो व्यापारी लोग हैं उनको एक शंका है कि इससे हमारा जो व्यापार है वो बाधित हो जाएगा, पर मैं इससे ये कह सकती हूँ व्यापार बाधित होने की बजाय व्यापार और उनका बढ़ेगा। क्योंकि एक तो ट्रैफिक की समस्या के कारण से जो गाड़ियाँ मेन रोड की दुकानों पर नहीं रुक पाती हैं, लोग चीज़ें परचेज करने के लिए नहीं रुक पाते, वो यदि उनको चीज़ परचेज करनी होगी तो वो आराम से रुकेंगे, तसली से अपनी शॉपिंग करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि जिनको परचेज नहीं करना है सामान वो सीधे एलिवेटेड रोड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो उनका जो व्हीकल्स का प्रॉब्लम जो होता है वो व्हीकल्स का प्रॉब्लम उनका ख़त्म हो जाएगा और वास्तव में जो खरीदार वो लोग हैं वो बाज़ार में जाकर के अपनी खरीदारी कर सकेंगे, आराम से कर सकेंगे। तो व्यापारियों को भी इससे राहत मिलेगी, ट्रैफिक से उनको राहत मिलेगी। एक दूसरा और इसमें व्यापारियों को जो विकल्प मिलने वाला है, कई बार व्यापारियों को गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी, आस पास कहीं पार्किंग नहीं है, तो पिलर्स के नीचे जो 2 पिलर्स के बीच में 30 मीटर का जो गैप रहने वाला है उस गैप के अंदर वो अपनी गाड़ी खड़ा भी कर सकेंगे और साथ ही साथ में अपने व्यापार को और बढ़ा भी सकेंगे। मैम इसका शिलान्यास कब तक होने का है? 16 अगस्त के लगभग ये काम शुरू होगा और 1 महीने में एवरेज 4 पिलर्स बनते हुए ये पूरा ब्रिज तैयार होगा और इसमें लगभग 300 के लगभग पिलर्स आने वाले हैं और ये स्टील का बनेगा पूरा का पूरा। इसका जो फ्रेम होगा पिलर्स पर जो फ्रेम रखा जाएगा वो स्टील का होगा। तो एक कंस्ट्रक्शन के समय जो एक परेशानी सबको ये महसूस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करते समय ट्रैफिक की परेशानी होगी, दुकानदारों को परेशानी होगी, तो ना तो ट्रैफिक की परेशानी होगी ना दुकानदारों को परेशानी होगी क्योंकि 2 मीटर का डाया में ये एक पिलर खड़ा होने वाला है और उसके ऊपर स्टील के फ्रेम पर फिर ये एलिवेटेड रोड बनने वाला है। तेलंगाना हाउस के विरोध में मंत्री देवनानी के निवास पर जनता ने किया प्रदर्शन, 27 जून को होने वाले शिलान्यास हुआ स्थगित, कोटड़ा के क्षेत्रवासियों ने कहा नहीं बनने देंगे तेलंगाना हाउस। तेलंगाना हाउस के विरोध में आज फिर से कोटड़ा के क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन भी शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के निवास स्थान पर किया। क्षेत्र के लोगों ने मंत्री देवनानी को ज्ञापन सौंपा हुआ कहा कि हमारे क्षेत्र में तेलंगाना हाउस नहीं बनने देंगे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब मंत्री देवनानी से मिलने पहुंचे तो मंत्री देवनानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोगों ने कहा कि एक राज्य मंत्री को ये जानकारी नहीं कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस पर देवनानी ने आश्वस्त किया कि वे आगे इस मामले को लेकर बात करेंगे। मंच से आए हैं और देवनानी जी मंत्री हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है, उनसे मिलने के लिए आए हैं और जब हम इनसे मिले तो हमारे मंत्री जी जो हमारे विधायक महोदय भी है राजस्थान सरकार में, उन्होंने ये बात कही कि मुझको इसकी जानकारी मिली है। सबसे बड़ा पहलू कि अजमेर के जनप्रतिनिधि जो आज की तारीख में MLA प्लस राजस्थान सरकार में एक अभिन्न अंग है शिक्षा मंत्री के, उनको इसकी जानकारी मिली है, पहला इनका कहना ये। दूसरों में उनका अब मेरी नोटिस में आया तो मैं इसके बारे में कुछ आगे कार्रवाई करूँगा। हम तो इस चीज़ को देवनानी साहब से यही निवेदन बार बार करते हैं कि इतना बड़ा 1500
अगर 1500 स्क्वायर मीटर अगर इससे ऊपर देता है तो राजस्थान सरकार की अनुशंसा बिना ये काम नहीं हो सकता है। तो क्या राजस्थान सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि श्रीमान देवनानी जी नहीं थे? थे। और एरिया के हैं, उसके बावजूद अगर इनके पास इनकी नोटिस बनी है तो ये लोग ये जनता इस चीज को नहीं मान सकती। अब क्या चाहते हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में जो हमारा आवासीय योजना है कोटड़ा के अंदर, उसमें तेलंगाना हाउस का जो निर्णय ले रखा है आज तो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। आने वाले समय में ये इसको बिल्कुल निरस्त, जब तक निरस्त नहीं होगा हम कॉलोनी वासी मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन वहाँ पे किसी कंडीशन में बनने नहीं देंगे। आवंटन निरस्त होना चाहिए। नवरत्न सोनी, हमारी मांग ये है कि जो तेलंगाना हाउस के लिए जो जमीन दी है वो आप और कहीं दे दो, हमें प्रॉब्लम नहीं, बस यही हमारी मांग है कुल मिला के सभी से। और हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, जो तेलंगाना हाउस बना रहे हैं उसको और कहीं शिफ्ट करवा दें आप। समस्या हमारे ये आएगी कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ गाड़ियाँ उनके आने, क्योंकि रुबात का मतलब है फ्री, फ्री रहेंगे वो, फ्री का मतलब है कि जो भी लोग होंगे वो फ्री रहना चाहेंगे वहाँ, तो भर भर के बस आएंगी वहाँ रहने के लिए, तो उससे हमें तो प्रॉब्लम होने वाली ही है। क्योंकि हमने पहले भी यहाँ मित्तल के पास देखा है कि किस तरीके से ये माहौल बिगाड़ते थे, उससे हम बहुत परेशान होते थे। तो अब ये तो हमारे घर के आस पास ही, तो हमें परेशानी होने वाली है ही है, तो बस यही मांग है हमारी। नाम पवित्रा शर्मा है मेरा। आनंदपाल सिंह की पुण्यतिथि पर रेड क्रॉस में आयोजित रक्तदान शिविर, बड़ी संख्या में रक्तदान करने पहुंचे लोग, पूरे राजस्थान भर में लगाया गया है शिविर। अखिल रामणा राजपूत सेवा संस्थान के तत्वावधान में आज रेड क्रॉस में आनंदपाल सिंह की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आज बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने आए। संस्थान के लोगों ने 250 यूनिट का लक्ष्य रखा है, जिसमें अभी तक 150 यूनिट रक्तदान हो चुका है। अखिल राजस्थान रावणा राजपूत सेवा संस्थान जयपुर के तत्वावधान में अखिल भारतीय स्तर पर आज ये रक्तदान शिविर है। आनंद पाल सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ना सिर्फ अजमेर, संपूर्ण हिंदुस्तान में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अजमेर में रेड क्रॉस समिति जो है JLN के सामने, उसमें ये कार्यक्रम चल रहा है जहाँ हम सभी उपस्थित हैं। इसका टारगेट 250 से 300 का है और लगभग 150 यूनिट हम लोग अभी तक दे चुके हैं और 2 बजे तक हम अपने टारगेट से आगे बढ़ेंगे। मदन सिंह चौहान जी, आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य तो है कि भाई स्वर्गीय आनंदपाल सिंह सामराज पहली पुण्यतिथि है, जिस पर हम ब्लड डोनेट करके जो ज़रूरतमंद लोग होंगे बाद में जिनके ब्लड काम में आएगा उनको हेल्प करना पहला ये होगा संस्था का। और ये जो है प्रोग्राम, ये श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान जयपुर के निर्देशन पर हो रहा है। मैं सोहन सिंह चौहान, युवा जिला अध्यक्ष श्री अखिल रावणा। सर ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान, पूरे राजस्थान में हो रहा है, अजमेर में, किशनगढ़ में भी हो रहा है, तहसील स्तर पर हो रहा है, जोधपुर, जयपुर, लाडनू, सीकर, जहाँ कई जगह हमने 5,000 यूनिट का टारगेट रखा है। और उसके अलावा आउट ऑफ राजस्थान के अलावा अहमदाबाद में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, कई जगह सूरत में भी है, जहाँ श्री स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी के समर्थक हैं, मंत्रालय है। भीलवाड़ा में आयोजित रक्तदान शिविर, वंदे मातरम सेवा संस्थान और भारतीय किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में भटाना के जन्मदिन के पूर्व रक्तदान शिविर आयोजित, बड़े उत्साह के साथ रक्तदान करने आए लोग। वंदे मातरम सेवा संस्थान और भारतीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष उदयलाल भटाना के 41वें जन्मदिन के पूर्व आज पहला रक्तदान शिविर वंदे मातरम सेवा संस्थान और भारतीय किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय L2 के यहाँ पर रक्तदान शिविर का शुरुआत की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराज निर्मल राम, भाजपा जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, सुनीता कटारिया, रोशन मेघवंशी, भगवतीलाल गुर्जर, कमलेश गुड्डा, कल्पेश चौधरी, कैलाश सोनी उपस्थित थे। अध्यक्ष उदयलाल भटाना ने बताया कि 6 रक्तदान शिविर में 4100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 500 यूनिट का लक्ष्य है और टोटल 6 शिविर है, 6 शिविर में 4100 यूनिट का टारगेट है और जो युवा शक्ति सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। वंदे मातरम सेवा संस्था और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मानव सेवा और जन कल्याण के लिए कार्य है, ये बहुत ही पुण्यत कार्य है। गुरु जी के श्री चरणों से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है और गुरु जी के आशीर्वाद से आशा करते हैं कि 41 यूनिट पूर्ण हो और अच्छा। गुरुदेव निर्मल राम जी महाराज जी, राम सनेह संप्रदाय, दामोदर जी अग्रवाल साहब, हमारे संरक्षक कमल जी और सारे युवा साथी जो है सब अभी आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ हर आदमी रक्तदान करे, भले अगर इंडिविजुअल खुद का जन्मदिन में एक आदमी हो और वो महात्मा गांधी या राम सनेह में जाके खुद डोनेट करें तो भी किसी न किसी के काम आता है। रक्त की आज बहुत ज़्यादा जरूरत है, रक्त की वजह से बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं,
तो अगर कोई कार्यक्रम बड़ा नहीं करके सिंगल भी अगर उसका रक्तदान जन्मदिन है और वो महात्मा गांधी सरकारी या कहीं भी जाके वो अगर रक्तदान करे तो बहुत अच्छी बात है। अस्पताल में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ शहर कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह। चिकित्सा मंत्री कालीचरण श्राफ के नाम अस्पताल पीएमओ को 13 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजकीय अमृतकौर अस्पताल में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मौन सत्याग्रह किया। दोपहर तक चले इस आंदोलन के बाद चिकित्सा मंत्री कालीचरण श्राफ के नाम अस्पताल पीएमओ को 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकेएच पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएमओ डॉक्टर एम के जैन की चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाईकर्मी एवं वार्ड बॉय की शीघ्र भर्ती करने, तकनीकी स्टाफ लगाकर कूलर पंखे ऐसी ठीक करने, अस्पताल में जगह जगह टूटी पाइपलाइन ठीक करने, पानी की टंकियां की जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सफाई करने और टंकियों पर सिर्फ तारीख बदलने की परंपरा बंद करने, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने, उनके वेतनमान में वृद्धि कर उन्हें उसका लाभ दिलाने की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी ने राज के अमृतपुर चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ आज मौन सत्याग्रह किया और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया। यहाँ तमाम तरह की असुविधाएं जिससे मरीजों को बड़ी तकलीफ हो रही है और किसी समय में ए श्रेणी का हॉस्पिटल था ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन होता गया, इसकी श्रेणी गिरती गई और आज ये मात्र रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया। मरीज आते हैं लेकिन उनको तुरंत प्रभाव से अजमेर जयपुर के रेफर कर दिया और तमाम तरह की असुविधाएं और अव्यवस्थाओं के खिलाफ हमने पीएमओ को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इन समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाए, अन्यथा बड़ा जन आंदोलन होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और एडीआर में तीसरे बैच का 3 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू। न्याय अधिकारी व अधिवक्ताओं को दी ट्रेनिंग, 3 दिन चलेगी ट्रेनिंग। एडीआर में वैकल्पिक विवाद निस्तारण के तहत आज तीसरे बैच का 3 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसके अंदर न्याय अधिकारी व अधिवक्ता अजमेर के अलावा सवाई मधुपुर में 200 से भी शामिल हुए। इन्हें महाराष्ट्र व दिल्ली से आए ट्रेनर्स द्वारा मीडिएशन को लेकर जानकारी दी गई। ट्रेनिंग सेशन में बड़ी संख्या में न्याय अधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित हुए। मीडिएशन के ऊपर 20 आवर्स रिफ्रेशर कोर्स मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्टेट लेवल पे। ये कोर्स जो है बेसिकली जो ऑलरेडी 40 आवर्स की ट्रेनिंग ले चुके हैं, 40 आवर्स मीडिएशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग ले चुके हैं, हर थोड़े समय में ये रिफ्रेशर कोर्स होते हैं ताकि वो जो मीडिएशन में अप टू डेट रहें, रिफ्रेश हों समय समय पर और मीडिएशन को आगे बढ़ाने में ये सहायक हों। क्योंकि जैसे जैसे रिफ्रेशर प्रोग्राम्स होते जाएंगे हमारे जो मीडिएटर्स हैं वो और इसमें परांगत होते जाएंगे मीडिएशन में और जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसको रिजॉल्व करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। मैम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे जो कचहरियों में जो मुद्दे पेंडिंग हैं, काफ़ी लिटिगेशन जो है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की मैं बात नहीं करूँगी, ऑल ओवर इंडिया जो है लिटिगेशन काफ़ी पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो ये एक माध्यम निकाला गया है जिसके द्वारा एक आप कहेंगे ये मीडिएशन का प्रोसेस निकाला गया है। और भी प्रोसेसेस हैं जैसे आर्बिट्रेशंस हैं, जुडिशियल सेटलमेंट्स हैं, कंसीलिएशन है, लोक अदालत वगैरह है, उसी तरह मीडिएशन जो है मध्यस्थता जो है एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तौर पे उभर रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहा है। ये एक माध्यम है जो लोगों के लिए लोगों के द्वारा ही किया जाता है जिसमें कोर्ट की पार्टिसिपेशन थोड़ी बैक स्टेज पे चली जाती है और पार्टीज जो होती हैं वो फ्रंट में आ जाती हैं। पार्टीज को आपस में बातचीत के द्वारा अपनी समस्याएँ सुलझाने का मौका मिलता है। ये सिर्फ वो खुद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उनको एक मध्यस्थ, एक निष्पक्ष मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है। हमारे जो ट्रेंड मीडिएटर है जिनके द्वारा मध्यस्थता कार्रवाइयाँ संपादित की जाती है, उनका तीसरे बैच का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है आज हमने शुरू किया है। इस बार प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजमेर संभाग के साथ साथ सवाईमाधोपुर और दौसा के न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं को हमने शामिल किया है। ट्रेनर जो हैं वो हमने इस बार महाराष्ट्र से बुलाए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के ऑफिसर हैं, 1 सीजीएम है वहाँ पे और जो ऑब्जर्वर हैं वो दिल्ली से पधारे हैं, मैडम अनुपम डेंगा। तो इस प्रकार ये जो मध्यस्थता का कार्यक्रम है आज
इसके जो 20 रिफ्रेशर कोर्स है आज शुरू हुआ है और ये 3 दिन तक चलेगा। 20 घंटे का ये कार्यक्रम है, कल और परसों भी ये रहेगा। और मीडिएशन की जो गतिविधियों में जो संचालन के दौरान जो प्रॉब्लम आती हैं ग्रास रूट लेवल पे ये जो काम करते हैं, तो इनकी जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का, आपस में जो अनुभव है वो शेयर करने का, और इनके अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर करने का जो है हम प्रयास करेंगे। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए सच के साथ।